ये सामान्य समय नहीं है, असामान्य समय है। इसमें दुनिया की कायाकल्प पलट हो जाएगी, जमीन आसमान पर चली जाएगी, आसमान जमीन पर आ जाएगा। नहीं, ये बात तो नहीं होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि जो इस समय की परिस्थितियों में जिसमें आज आप हैं, ये परिस्थितियाँ अगले दिनों रहेंगी नहीं। इसमें बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, सारे राज्यों का चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे, सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को मिलाएगा, तू हमारे धर्म में आ जा, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर है, हम मार डालेंगे तुझे, खबरदार, बेकार बात बताएगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरु जी, छोटा बच्चा होगा वो बड़े की बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े की बराबर तो नहीं होगा, लेकिन समानता की दृष्टि से, समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे, विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किस में शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर असीम, सूक्ष्म शरीर की सीमा इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जो ये मिट्टी वाला शरीर हमारा काम करता है। आपको तो इस मिट्टी वाले शरीर से बड़े मोह है। 2 वर्ष हमने इसमें लगाए कि भाई हम किसी से नहीं बोलेंगे, अरे मर गए गुरु जी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं, और गुरु जी के बिना हमारा कैसा काम होगा? बेटा, हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फिरती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फिरते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फिरते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है, उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुँचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुँचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुँचेंगे, तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे खानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है, और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है, और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चला जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा, जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवनसाज से, भलवनसाज से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है, दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई जमीन किसी ने कितनी दवा रखी है, किसने कितनी दवा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे, हंसते हंसाते हुए जिंदगियां लोगों की मनाने के लिए एक, और एक समानता का मौका और अवसर हर एक को, हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए। दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा, कुटुंब में एक
मैनेजमेंट होता है, और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी उस दिन मालिक हो जाता है। छोटे बच्चे को दूध का इंतजाम उसी दिन करना पड़ता है, छोटे बच्चे की दवाई का उसी दिन इंतजाम करना पड़ता है। स्त्रियां कमाती नहीं हैं, दूसरी कमाती नहीं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कमाते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं तो क्या है, उस कुटुंब के हिस्से हैं, इसीलिए कुटुंब के जो कमाने वाले हैं वो उनको खिलाएंगे। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है हमारे अंदर। एक ऐसा भीतर बैठा है, ऐसा बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ कतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए, अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए, हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ हैं हमारा आपके? हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज़्यादा सही हैं। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं मिले, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज़ खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है हमारे भीतर, हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत, और बस बस आपकी लड़ने की हिम्मत है नहीं। हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे, और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर रामराज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बात कह रहे हैं, और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचा भी उठाएंगे। बच्चा छोटा होता है और ये कहता है पिताजी मेला देखने जाऊंगा, मुझे मेला दिखा रहा है वो जरा सा, तो पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाने के बाद वो जो कहता है साहब गोदी में आपने उठा लिया तो मेला तो दिखाई नहीं पड़ता, मनुष्यों के शरीर दिखाई पड़ते हैं, तो उठा करके कंधे पर बैठा लेता है। अब आपको कंधे पर बैठाएंगे। कोई कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे कमज़ोर रह जाए, छोटा रह जाए और दुबला रह जाए, उसकी हंसी हो। कौन कौन क्या हुआ? हाथी के बच्चा हुआ है। कहाँ बच्चा दिखाना? अरे ये तो बकरे का बच्चा है। बकरे को शर्म कि हाथी के पेट में से पैदा हुआ है, और हाथी को शर्म कि हमारे पेट में हाथी होना चाहिए था तो ये बकरा हो गया है। तो आपको बकरे में रहने देंगे नहीं? आपको बकरे की हैसियत में नहीं रहने देंगे। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे। आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे, पैसे की दृष्टि से। पैसा तो बेटा अगला दिन ऐसा आएगा कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं, अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि जमीन में गढ़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं मालदार सो